हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप ऑफ बिग बॉस। तो यहाँ पे जिया शंकर और अभिषेक के बीच कॉन्वर्सेशन चल रहा था रिगार्डिंग अलकनाथ और अविनाश भाई। इन्हीं दोनों के चर्चे तो पूरे घर पे ही चलते हैं, आपको नहीं लगता? ये दोनों एक ऐसे प्राणी है जिन्हें दुनिया भर की मिसअंडरस्टैंडिंग इन्हीं होती है और यही क्रिएट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक बात जो था वो मुद्दा घर का बन गया, जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था अविनाश और जिया के, बट उसको फलकनाथ ने बोला ये घर का मुद्दा है, घर का मुद्दा है। अभिषेक ने ये बोला कि तुझे जाके अविनाश से क्लियर करना चाहिए या फलक से। तो जिया शंकर का ये बोलना था मैं क्यों जाऊं, सारी चीजें की उन्होंने ये चीज का मुद्दा उठाया, उन्होंने घर का मुद्दा बोला उन्होंने, और मैं जाके क्लियर करूं? तुझे लगता है मैं जाके बात करूं उन लोगों से? कितनी बार बातें करूं, कितनी बार अपनी दोस्ती अच्छा करने की कोशिश करूं? हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ खराब कर देते, क्या समझ के रखा है उन्होंने मुझे। तो वही भी अभिषेक का ये बोलना था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि अपुन ही बिग बॉस। जिया शंकर बोलती है अच्छा तुझे ऐसा लगता है? बोले हाँ, मतलब देख रहे हो ना, मतलब भाई तुम जाओ क्लियर करो, अगर क्लियर होता है तो करो, नहीं करना तो बाहर में जाओ। यहाँ पे हम लोग रिश्ता निभाने नहीं है, गेम खेलने है, कोई रहे रहे साथ ना रहे, बात करे या ना करे, डोंट गिव अ डैम शिट अबाउट दैट पर्सन। आपको क्या लगता है इस घर का इरिटेटिंग दो बंदा मुझे अभी के टाइम में लग रहा है, एक अविनाश और एक फलकनाथ? आपको क्या लगता है कॉमेंट डाउन करके जरूर बताएगा। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।